सबसे पहली क्वेरी है IEX के लिए। IEX के मेरे पास 500 शेयर्स हैं 140 के रेट पे। ये बिल्कुल रुका हुआ ही है, थोड़ा सा कल बढ़ा था और आज वापस। तो ये क्यों लिया था, लंबी अवधि के लिए लिया था? जी जी बिल्कुल, मैंने सुना था ये डबल हो जाएगा बट इसमें तो ब्रेक ही लग गया। अरे ठीक तो है, कितने दिन हो गए लिए हुए? मेरे को 8-9 मंथ्स हो गए हैं। 8-9 महीने हो गए। हाँ तब तो तेजी वाला, तब लेना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद एवरेज आउट करके अब मेरा 140 का इसका एवरेज है। अच्छा ठीक है, तो लंबा रहा पीरियड, फिर भी 13-14 रुपए का मुनाफा हो रहा है और 140 के इन्वेस्टमेंट पे 14 रुपए का मुनाफा बुरा नहीं है वैसे। बाय द वे 8-9 महीने में 10% ऑलरेडी हो चुके हैं और अब तो बाकी चलना शुरू हुआ है, कुछ दिनों में अच्छे मूव्स बने थे। खैर शर्मला क्या करना चाहिए? मैंने लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, मुझे किसी ने कहा था डबल हो जाएगा, 140 वाला 200 मतलब बेसिकली प्रीवियस हाईज की तरफ बढ़ेगा ऐसा मान के किसी ने बताया था, रखे रहूं क्या? वो प्रीवियस हाईज तो छोड़ दीजिए, लेकिन एट 150-155 IEX अट्रैक्टिव है क्या? बिल्कुल, आई थिंक ये थोड़ा दुख लगना लाजमी है क्योंकि पूरा मार्केट चल रहा है और आपका स्टॉक बहुत ज्यादा 8-9 महीने से उसी रेंज में है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आई थी, थोड़े पॉलिसी चेंजेस थे जो ऐसा लगा था कि नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे एनर्जी स्पेस को। लेकिन अगर आप बिजनेस मॉडल देखिए IEX का कि किस तरह से वो अलग कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से उनका स्ट्रैटेजी है और खास करके जो Q2 के नंबर्स आए हैं वो मुझे काफी कॉन्फिडेंस देते हैं, तो मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं। और यस, आई थिंक माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 190-200, तो वो एक टारगेट ध्यान में रखकर आप जरूर इसमें बने रहिए। होल्ड करिए मैम, थोड़ा सा